अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्लू मून किचन में आज फिर हम आपकी खिदमत में फ़्रेंच डिज़र्ट थ्री या नॉन की रेसिपी के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आप इसे फ़्रेंच चॉकलेट केक भी कह सकते हैं। थ्री या नॉन क्या है? बस मुख्तलिफ़ तरकीब का हुसैन इम्तज़ाज। इसमें आपको अब यक वक्त मैक्रोन्स, परालीन क्रंच, चॉकलेट मूस और मिरर ग्लेज का जायका मिलेगा। वीडियो मुकम्मल देखें तो आप भी इसे बआसानी बना सकते हैं। बस थोड़ा सब्र और वक्त तलब काम है। जी, अब हम चॉकलेट शॉर्ट्स बनाएंगे। तो चॉकलेट शॉर्ट्स बनाने के लिए ये 50 ग्राम फुल मिल्क चॉकलेट लिए और 20 ग्राम ये नट्स लिए हैं, रोस्टेड हेज़ल नट्स और आलमंड मिक्स, कोई एक चीज़ हो या दोनों मिक्स हों आपके पास तो ये ले लें। तो अभी मैं इसको काट के बारीक करके तो इसको मेल्ट करते हैं। जी, चॉकलेट आप देख सकते हैं, ये अभी मैं इसको माइक्रोवेव में रखता हूँ तकरीबन एक मिनट के लिए। जब ये मेल्ट होगी तो फिर दोबारा ये थोड़ी सी जो मैंने रखी है ये इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और अब ये जो नट्स हैं इनको भी मैं ऐसे ही छुरी की मदद से काट लेता हूँ। इसको ऐसे ही हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर दोबारा, एक्चुअली ये सिर्फ़ डेकोरेशन के लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब हम इसे रखते हैं ठंडा होने के लिए। जी, तो सबसे पहले हम इसका बिस्किट तैयार करते हैं। बिस्किट के लिए ये इस तरह का केक रिंग लेके, तो इसको जनाब ये 20 सेंटीमीटर है इसका जो डायमीटर, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये पूरा 20। ये दो बिस्किट हम बनाएंगे तो दो बिस्किट्स के लिए ये देखें, दो पेपर तैयार करके रख लिए। तो अब बिस्किट मैं दिखाता हूँ आपको उसमें क्या क्या डालना है और किस तरह से बनाना है। जी, तो बिस्किट बनाने के लिए 3 अंडों की सफ़ेदी हमें चाहिए होगी, 100 ग्राम शुगर, 150 ग्राम आलमंड पाउडर, बादाम का पाउडर, और 50 ग्राम आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर आप इसको कह सकते हैं, और 30 ग्राम मैदा। सबसे पहले अंडों की सफ़ेदी और चीनी, इसको करेंगे बीट। जी, तो एग वाइट और चीनी, ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह से। अब ये तीनों चीज़ें इस दौरान मैंने मिक्स कर ली थी, तो इसमें ये थोड़ी थोड़ी करके डालते हैं और साथ साथ इसको फोल्ड करते हैं। आलमंड पाउडर, मैदा और आइसिंग शुगर, ये तीनों चीज़ें जो खुश्क अज़ाद थे वो अब इसमें जाएंगे।
जी अवन हमारा जो है वो प्री हीट हो चुका है 180 पे 12 से 15 मिनट के लिए, इसको हम बेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल हल्का गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप करेंगे तो फिर ये ज़्यादा जो है क्रंची हो जाएगा। इसको अपने अवन के हिसाब से आपने बिल्कुल ध्यान से बेक करना है। जी स्टेप टू में हम परालीन क्रंच बनाएंगे, तो परालीन क्रंच बनाने के लिए चाहिए होगी सबसे पहले, ये मैंने चीनी ली है, ये रॉ शुगर है मेरे पास, देसी चीनी जिसको कहते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल वाइट चीनी भी ले सकते हैं। ये 90 ग्राम जाएगी सबसे पहले, और इसमें डाल रहा हूँ मैं 25 ml पानी। फ्लेम को करते हैं ऑन और इसको हम कैरामलाइज करेंगे। अभी थोड़ी देर तक ये चीनी जो है ये मेल्ट हो जाएगी और उसके बाद इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा ब्राउन, तो फिर इसमें डालेंगे हम, ये आप देख सकते हैं 75 ग्राम्स लिए मैंने हेज़लनट्स और 75 ग्राम्स आलमंड, ये दोनों रोस्टेड हैं। अगर आपके पास ये नहीं मिलते आपको हेज़लनट्स तो आप 150 ग्राम्स आलमंड ले सकते हैं, लेके आप उनको रोस्ट कर लें फ्राई पैन में बग़ैर ऑयल और घी के 15 मिनट के लिए उसको रोस्ट कर लें, या अवन में रख के उसको रोस्ट कर लें और ठंडा कर लें। तो ये जनाब चीनी और 150 ग्राम ये जाएंगे रोस्टेड इसमें। जी इसको अब हम पानी में डाल के चेक करते हैं, ये देखें आप देख सकते हैं। जी तो अब हम स्टेप टू शुरू करते हैं। स्टेप टू में सबसे पहले हम बनाएंगे परालीन क्रंच। परालीन क्रंच बनाने के लिए ये आपको दिखाया था मैंने रोस्टेड आलमंड और हेज़लनट्स, इसका ब्रिटल बना लिया था। इसको अभी हम पीनट बटर की तरह इसका स्मूथ पेस्ट बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा 50 ग्राम मिल्क चॉकलेट, ये इसको मेल्ट करेंगे, और हमें 80 ग्राम्स चाहिए होंगे वेफर्स, ये डार्क चॉकलेट मैं अलग-अलग कर दूंगा, एक्चुअली हमें ये वाला हिस्सा जो है यही चाहिए होगा, ये वाला। तो अब जनाब इसका सबसे पहले जो है ये देखें ये कितना क्रंची, अब हम स्टेप थ्री शुरू करते हैं। तो इसमें 3 अंडों की जर्दी ली है और 70 ग्राम चीनी, 400 ml हैवी क्रीम, 60 ग्राम पानी और 200 ग्राम सेमी स्वीट चॉकलेट, ये इसको मैंने 100 ग्राम को क्रश कर लिया है, इसको मेल्ट करके दोबारा से फिर ये वाली 100 ग्राम क्रश करके इसमें मिक्स करूँगा। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पहले मैं रखता हूँ मेल्ट करने के लिए इधर।
जी चीनी और पानी को मिक्स करके उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। तब तक ये जो जर्दी है इसको मैं फेंट लेता हूँ। जी चीनी का सिरप जो है ये तैयार हो चुका, इसको मैक्सिमम 120 सेल्सियस तक पकाना है आपने। अगर आपके पास इस तरह का थर्मामीटर नहीं तो फिर जब चीनी डिज़ोल्व हो जाए पानी में तो 5 मिनट तक मज़ीद इसको पकाएं और उसके बाद उतार के जर्दी में मिक्स कर दें। तो अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, 120 तक है ये, तो ये हमारा तैयार हो चुका है। चीनी और अंडे ये मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसमें चॉकलेट और हैवी क्रीम शामिल करेंगे। ये क्रीम आप देख सकते हैं, इसको व्हिप किया है और इसकी ये देखें आप, बिल्कुल परफेक्ट। ये चॉकलेट आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसका मैक्सिमम जो है टेम्परेचर वो 55 से 58 सेल्सियस तक होना चाहिए, अदरवाइज़ आप देख लें उंगली डुबो के, बिल्कुल आपको ये बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और ठंडी भी ना हो। तो ये है हमारा चॉकलेट मूस, अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। स्टेप 4 में हम मिरर ग्लेज तैयार करेंगे। तो मिरर ग्लेज तैयार करने के लिए सबसे पहले 1 टेबलस्पून या 10 ग्राम आप ले लें जेलाटीन पाउडर, ये अगर अगर लिया है मैंने, ये नबाताती जेलाटीन है बिल्कुल हलाल। इसमें 60 ml पानी मिला के तो इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। सबसे पहले भिगो के इस तरह से इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। तो अब हम बाकी दूसरी जो अशिया हैं उनको मिला के तो ग्लेज तैयार करते हैं और एंड पे फिर इसको शामिल कर देंगे। अब हम एक बर्तन लेके इसमें सबसे पहले 200 ग्राम चीनी डालेंगे और 60 ग्राम काकाओ पाउडर, इसको क्लीन मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 80 ml या आधा कप पानी शामिल करके तो इसको पकाते हैं। 120 ml या आधा कप व्हिप क्रीम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तो उबाल आने तक इसको मैं पकाता हूँ। जी फर्स्ट बॉयल जो है वो आ चुका है, इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। उबाल आने के बाद इसमें अब हम डाल रहे हैं जेलाटीन, ये जो पानी में मिक्स करके रखी थी, अब हम इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए और पकाएंगे और चूल्हे से उतार लेंगे।